रविवार को सलामत पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। 24 घंटे में नाबालिग अपहरणकर्ता को पुलिस की टीम ने इंदौर से गिरफ्तार किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 30 अक्टूबर को संतोष प्रजापति निवासी सनावत ने अपनी नाबालिग लड़की को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा अपहरण करने की रिपोर्ट दर्ज कराई। मामला नाबालिग का होने के कारण SP खरगोन के निर्देशन पर सनावत थाना प्रभारी ललित सिंह डांगुर द्वारा टीम गठित कर कॉल डिटेल व टावर लोकेशन के आधार पर अपहरणकर्ता की तलाश में टीम इंदौर के लिए रवाना हुई, जहां आरोपी के जीजा विनोद बैरागी से संपर्क कर टावर लोकेशन के आधार पर अपहरणकर्ता व आरोपी को महू नाके से घेराबंदी कर पकड़ लिया गया तथा सनावत लाया गया। पुलिस द्वारा पीड़ित के कथन के आधार पर नाबालिग अपहरणकर्ता के खिलाफ विभिन्न धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया तथा नाबालिग को उसके पिता के सुपुर्द कर दिया गया। कार्यवाही में सनावत पुलिस स्टाफ का सराहनीय योगदान रहा। 30 तारीख की बात है, 30 अक्टूबर तो एक बच्ची के पिता आए थे। उन्होंने बताया कि 16 वर्षीय उनकी नाबालिग बच्ची है, सनावत के रहने वाले हैं और वो बिना बताए घर से कहीं चली गई है। उन्होंने तलाश किया, नहीं मिली थी, जिसपे थाने पे 363 भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। और चूंकि नाबालिग बच्ची के अपहरण का मामला था, संगीन मामला था, पुलिस अधीक्षक में होकर बताया गया। पुलिस अधीक्षक श्री सैलेन सिंह चौहान साहब द्वारा उसको बहुत गंभीरता से लिया गया। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारी को बताया, लोकल पुलिस को हिदायत दी कि वो कैसे भी बच्ची को बरामद करें। इस आधार पर हमने सब इंस्पेक्टर शकुंतला के निर्देशन में एक टीम गठित की जो उसकी लगातार तलाश कर रही थी। कुछ सस्पेक्ट के नाम आ रहे थे, जिनमें एक विशाल बलाई नाम का लड़का घर से फरार मिला। उसकी लोकेशंस, टावर लोकेशंस और उसके रिश्तेदारों को पता करते इंदौर की एक इन्फॉर्मेशन मिली उसके होने की। इस आधार पर हमने इंदौर रात में टीम रवाना की थी और 24 घंटे के अंदर जो बच्ची गुमशुदी थी, जो अपहरता हुई थी, उसको बरामद कर लिया गया। आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए सनावत से नीलेश मालाकार की रिपोर्ट।